नमस्कार दोस्तों, भारत चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है पतंजलि की ये दिव्य संजीवनी वटी। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है संजीवनी वटी, निश्चित ही आपको नवीन जीवन प्रदान करती है औषधि। बहुत ही श्रेष्ठ गुणकर्म है, कई घातक और सहज रोग सभी में लाभकारी है। आज गहन रूप से इसी पर चर्चा करेंगे। 80 टैबलेट्स आपको यहाँ मिलते हैं, 3 वर्ष की लाइफ है इसकी और 37 रुपये इसका मूल्य है, जबकि मुझे ये 35 में प्राप्त हो गया था पतंजलि के चिकित्सालय से। और दोस्तों, आइए इसके सारे लाभ तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं इसको बनाने में कौन कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रत्येक 250 मिलीग्राम की ये टैबलेट आती है और इसमें आपको 25 मिलीग्राम मिलता है। किन किन चीज़ों का देख लीजिए, वायुविडंग है इसमें, सौंठ है, पिपली है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, वाच है, गिलोय है इसमें, और भिलावा शुद्ध है, वत्सनाब शुद्ध है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं और इन सभी को प्रोसेस किया जाता है गौमूत्र में। तो निश्चित ही दोस्तों, एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसको लेने की जो विधि यहाँ पर बताई गई है, 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं हल्के गर्म पानी के साथ, दिन में 3 बार या जैसा आपका चिकित्सक बताए। और जहाँ तक इसके यूजेस की बात है, जो कि पैकेजिंग पर लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं ज्वर, अजीम, क्रीमी, वमन, उदर शूल, कास, गुलमा, विसूचिक, सर्पदंसा, सानी पट्टा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, सहज भाषा में आपको बताऊँगा आगे। देखिए, सबसे पहले जो दिव्य संजीवनी वटी है, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक फीवर है, कफ कोल्ड है, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। आप इसका निश्चित ही प्रयोग कर सकते हैं, सर्दी बुखार के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसकी एक बहुत विशेष बात है दोस्तों, ये विषरोधी होता है, एंटी टॉक्सिक होता है। सांप के काटने से जो जहर बॉडी में बनता है, वो इसको जो है डिटॉक्स करता है। तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि सांप के डसने आदि के बाद कहीं ना कहीं आपको बचाने में बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। इसलिए भी इसका नाम संजीवनी है, क्योंकि और कोई औषधि आपने ऐसी नहीं सुनी होगी, लेकिन इसका जो है रोल बहुत रहता है इसमें। और ये मूत्र जो है, पसीना अगर कम आ रहा है उसकी वजह से बुखार भी जो बनता है, तो उसको भी ये जो है निकालता है, और उसी के थ्रू जो शरीर का मल है, पसीने मूत्र के थ्रू ये निकाल देता है। और पेट में दर्द है, पेट में भारीपन है, पतला दस्त है, क्रीमी है, इन सभी में भी संजीवनी वटी, जो आम दोष से होने वाला बुखार होता है, उसमें निस्संदेह इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी संजीवनी वटी का बहुत ही अच्छा रोल इसमें रहता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें गिलोय भी है, तो निस्संदेह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प बन जाता है। और बुखार आदि, जैसे मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों को, कई लोगों का ऐसा होता है लगातार एक लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार बना रहता है बहुत लंबे समय तक, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उत्तम औषधि है, यद्यपि उसमें आप गिलोय घनवटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत ही विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग हो सकता है। सांप का जो विष होता है, उसको डिटॉक्स करने से लेकर जो सामान्य सर्दी खांसी बुखार है और पेट में क्रीमी आदि है, तो सबके लिए ये औषधि का प्रयोग है। निस्संदेह एक बहुत ही दिव्य औषधि, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया सभी के साथ शेयर करें और भारत चिकित्सा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमस्ते।